दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूटेट पेपर सेकंड के बारे में, जो कि ये 6 नवंबर को हुआ था। उसकी आंसर की हम बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और ये सबसे पहले टॉपिक बात कर लेते हैं, यहाँ पे मैथ्स और विज्ञान का जो पोर्शन है उसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 91 क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, जो कि मैथ्स का है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² = 83 है। तो बताना था यहाँ पे कि x³ - 1/x³ का जो वैल्यू होगी वो कितनी निकलेगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे डी ऑप्शन, बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, 756 आपका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। पटरी और प्रकार की सहायता से निम्नलिखित कोण की रचना संभव नहीं है, तो कौन सा कोण यहाँ पर नहीं बनाया जाता। तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही होगा, ठीक है ना। तो 39.5 डिग्री का एंगल नहीं बनता है पटरी और प्रकार की सहायता से। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हॉट्स क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे बताना है उच्च क्रम सोच कौशल आधारित प्रश्नों के लिए आवश्यक है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए जो आवश्यक होता है वो क्या होता है, एल्गोरिथम का यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 94 क्वेश्चन है यहाँ पे। NCERT 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित शिक्षा का एक मुख्य लक्ष्य है, तो गणित शिक्षा का जो मुख्य लक्ष्य है वो कौन सा है आपको यहाँ पे बताना था। तो इसका जो सही आंसर था यहाँ पे, समस्या समाधान कौशल का विकास करना, ये आपका सही आंसर था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जिसमें 5, 8, 10 और 15 से भाग करने पर प्रत्येक दिशा में 2 शेष रहता है वह संख्या है। तो ऐसा नंबर बताना था जिसमें जो है शेषफल 2 बचे और किससे भाग दे, 5, 8, 10, 15 इनसे भाग देना था। तो 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए ऐसा था। तो इसका जो सही आंसर था वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही था, ठीक है ना। 1082 जो है इसका सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था आप लोगों ने, अगर मेरी मैथ्स के वीडियोस देखे होंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा ये वाला। मैंने कहा था इसी क्वेश्चन एक आते हैं, तो मैंने मैथ्स के 7-8 वीडियोस बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे, तो उससे 2-3 क्वेश्चन आए थे इसमें, ठीक है ना। ज़्यादा तो नहीं करवा पाया मैं मैथ्स का, उसके बाद से थोड़ा टाइम प्रॉब्लम चल गया था। तो इसका जो आंसर है बताने की इकाई का जो वैल्यू होगी, मतलब वंस प्लेस पे है जो, वो कितना आएगा। तो इसको मैंने निकालने के लिए यहाँ पर ट्रिक बताई थी आपको सभी को। तो इसका जो सही आंसर था वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या को जब 999 से भाग किया जाता है तब शेष 63 आता है, यदि उसी संख्या को 29 से भाग किया जाए तो तब शेष कितना बचेगा। तो तब कितना बच रहा था, आंसर 5, ठीक है ना, 5 शेषफल बच रहा था उसका। और ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसका थोड़ा आंसर कमेंट करना क्योंकि इसका ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे ए ऑप्शन हो इसका, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इसका जो आंसर था यहाँ पे इसको सॉल्व करना था, तो इसका जो सही आंसर था ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पी रेशियो क्यू 3 दे रखा था और 4 दे रखा था और क्यू रेशियो आर यहाँ पे 8 और 10 दे रखा था और ऐसी आर एस यहाँ पे जो रेशियो थे इनके 15, 17 दे रखा था। तब बताना था आपको पी क्यू आर की जो वैल्यूज होगी यहाँ रेशियो में तो वो कितना निकलेगा। इसका जो सही आंसर था आपका 9:12:15:17। तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही था। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आर एस, ठीक है ना, 2160 का अनुपात, ठीक है ना, इतना अनुपात दे रखा था यहाँ पे मैं बांटा जाता है, तब बीच वाली जो संख्या भाग उसका मान बताना था, बीच वाली का मान बताना था, तो कौन किसका इसका आंसर कितना आएगा। तो इसका जो सही आंसर था वो आपका, ठीक है ना, 772 आपका सही आंसर था। और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एक सम पंचभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, मतलब जो इंटीरियर एंगल होते हैं यहाँ पे रेगुलर पेंटागन में कितना होता है, वो कितना होता है, 360 होता है। कितना होता है, 360। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, एक सम षटभुज के लिए सिमिति की रेखाओं की संख्या, तो मतलब यहाँ पे सिमिट्री बताना था, सिमिट रेगुलर हेक्सागन में कितने सिमिट्री होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन था, ठीक है ना, 6 होते हैं इसके आंसर, तो 6 आंसर सही का। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एक धनराशि जो कि यहाँ पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 15 था, तो वो धनराशि कितनी थी। तो वो धनराशि कितनी थी, 1500 रुपया था आपका यहाँ पे वो धनराशि। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। और अगला क्वेश्चन था यहाँ पे, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों का आपस में, ठीक है, सिरे से सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है। तो इसमें बताना था कि इसका जो इस जो घनाभ बनेगा इससे, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना था घनाभ का कितना आएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ रहा था इसका, तो 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका आ रहा था। तो
इसका आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे एल्शियम निकालना था, यहाँ पर दे रखा है 10xy 12a वाई जेड और 15z एक्स दे रखा था, इसका एल्शियम था तो इसका एल्शियम कितना था, बी ऑप्शन बिल्कुल सही था 60xyz। और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था लेकिन ग्रुप डी की जो मैथ्स का सिलेबस चल रहा था उस टाइम पर, उसमें मैंने ये काफ़ी क्वेश्चन करवाए थे, उसमें जो यूटेट का सिलेबस था उसमें तो ज़्यादा कवर हो नहीं पाए, लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन थे मेरे जो ग्रुप डी वाले, ठीक है ना, यहाँ पे सेक्शन सीजन चल रहा था उस टाइम पे, तो उसमें से सारे क्वेश्चन उसी में से आए थे अधिकतर। तो ये देखिए यहाँ पे इसमें बताना कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसमें जो एक्स की वैल्यू थी 50 थी इसकी, ठीक है ना, यहाँ से इसके लीनियर पेयर हो जाएगा, ये 180 में से माइनस करते हैं इसको, ठीक है ना, 70 निकल जाएगा और इन दोनों का सम ऑफ ऑल एंगल्स निकल जाएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था कि 12 आदमी, ठीक है, 12 आदमी एक काम को यहाँ पे 20 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो इसका जो सही आंसर था वो आपका 16 था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय वृत्ति की माप नहीं है, तो वृत्ति की माप नहीं है तो, ठीक है ना, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे भी प्रास और यहाँ भौलक में, ठीक है ना, तो आई थिंक यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए, इसको भी आप चेक कर लेना। और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, परियोजना विधि प्रस्तावित की गई थी, तो परियोजना विधि किसने किया था, WH Gilbert द्वारा यहाँ पे की गई थी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, गणित में सबसे उपयोगी शिक्षण ठीक है सहायक सामग्री है, तो सबसे उपयोगी जो सहायक सामग्री दृश्य और यहाँ पे श्रव्य सामग्री जो है बिल्कुल सहायक होगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, शिक्षक ने कक्षा में एक मौखिक परीक्षा आयोजित की एवं देखा कि राम प्रत्येक प्रकार की संख्याओं को सही से परिभाषित कर सकता है, विषम सम अभाज्य एवं संयुक्त, लेकिन अब संख्याओं का एक जोड़ा जोड़ा दिया जाए तो संख्याओं को सही से पहचान नहीं सकता है, तो बताना है कि शिक्षक रिपोर्ट करता है, तो यहाँ पे कौन सा रिपोर्ट करेगा, तो इसका जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है, राम की स्मृति अच्छी है किंतु यहाँ पे विश्लेषण क्षमता की कमी है। और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 113वां क्वेश्चन है, कक्षा में गणित के वादन में एक वाद विवाद शीर्षक शून्य सबसे महत्वपूर्ण संख्या है पर संचालित किया जाता है, यह गतिविधि छात्र को प्रोत्साहित करेगी, तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, शून्य को आधारित करने वाली संख्याएं लिखने में। और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एक से लेकर 40 तक की सम संख्याओं का योग, तो ये भी मैंने क्वेश्चन बताया हुआ था ये वाला भी, तो इसका जो सही आंसर आएगा आपका, ठीक है ना, 420 आपका सही आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला भी मैंने काफ़ी क्वेश्चन करवाए थे, तो 5 क्रमिक सम, ठीक है, 5 कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर्स होते हैं वो भी, ठीक है ना, इवन नंबर्स हैं, ए बी सी डी ई हैं, तो उसका जो औसत है वो कितना है, 86 है, तो सी और ई का जो गुणनफल है वो कितना आएगा, तो लास्ट में जो वैल्यूज निकालेंगे सबके, तो सी और ई को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आपका कितना आएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा इसका। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए पी माइनस क्यू माइनस 8 दे रखा है और पी इंटू क्यू जो कि माइनस 12 दे रखा है, पी की पावर क्यू, ठीक है, पी क्यू माइनस क्यू क्यूब, तो यहाँ पे देखिए पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब दे रखा है, तो इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, तो आयत का क्षेत्रफल 192 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप बताना था यहाँ पे, तो क्षेत्रफल दिया हुआ था, तो इसका जो सही आंसर होगा 56 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तीन संख्याएँ जो कि दे रखी है यहाँ पर 3:4:5:5 के अनुपात में है, और इसका जो, ठीक है, लघुतम एल्शियम जो रखा है यहाँ पे, एल्शियम है 2400 है, तो उसका एचसीएफ ज्ञात करना था, एचसीएफ जो है इसका 40 आएगा इसका आंसर, तो ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यदि किसी भिन्न के हर को 80% कम और अंश को 300% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 2/9 हो जाता है, तो भिन्न का मान क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आपका सी ऑप्शन आएगा 1/90, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यदि किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि की जाती है तो उसका जो क्षेत्रफल है वो 50% बढ़ जाता है, और उसकी जो लंबाई है उसमें वृद्धि हो जाती है 20% की,
और बताना है कि यहाँ पे चौड़ाई में कितनी परसेंट वृद्धि हुई है। तो इसका जो सही आंसर है बी ऑप्शन होगा 25%, ठीक है ना। तो बाकी की जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो आज की जो इस वीडियो में था यहाँ पे मैथ्स का ही यहाँ पे कंप्लीट हो पाया, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे उसको। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए।